हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक और रेसिपी लेके आई हूं जो है इंस्टेंट जलेबी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी। ये क्विक एंड इजी रेसिपी और विद इन फ्यू मिनट्स से बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही क्रंची एंड जूसी। तो फ्रेंड्स, इस होली आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स देकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बोल में 2 कप के बराबर मैदा ऐड करेंगे, यानी 2 कप ऑफ रिफाइंड फ्लावर। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी, कर्ड ऐड करूंगी। तो ये फ्रेश कर्ड लिया है मैंने, यानी फ्रेश दही। इसे हम 1/2 कप के बराबर ऐड करेंगे, 1/2 कप योगर्ट। अब मैं इसमें एडिबल कलर यूज़ करूंगी, तो 1 पिंच मैंने सैफ्रन कलर लिया है एंड 1 पिंच रेड कलर लिया है, तो इससे जलेबी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर तैयार करूंगी। तो वाटर ऐड करते हुए हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। तो इसमें लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर बनना चाहिए। तो इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे, आप देख सकते हैं। तो बैटर हमारा बनकर तैयार है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए, जब तक हम अपना शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे अपना शुगर सिरप। तो 200 ml ऑफ वाटर एंड 200 ग्राम के बराबर मैंने शुगर लिया है, यानी 200 ग्राम चीनी और 200 ml पानी। अब हम इसे डिसॉल्व होने तक पकाएंगे और जब डिसॉल्व हो जाएगा तब हम 1 तार से भी कम की चाशनी बनाएंगे। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो बस स्टिकी होना चाहिए, तो ये हमारी चाशनी गुजिया में भी, जलेबी में भी और गुलाब जामुन के लिए भी परफेक्ट होती है, इस तरह की कंसिस्टेंसी। मैं शुगर सिरप में भी सम कलर ऐड करूंगी, जिसमें मैंने सैफ्रन एंड रेड कलर लिया है पिंच ऑफ, एंड सम केवरा वाटर अराउंड 1 टीस्पून के बराबर ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ना डालें, ये भी ऑप्शनल है। 1 टीस्पून के बराबर फ्रेश कार्डमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और चाशनी हमारी तैयार है। अब हम इसे साइड रख देते हैं और जलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं, तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है आफ्टर 15 से 20 मिनट्स। अब मैं इसे पोर कर दूंगी एक सॉस के बॉटल में, जो इजीली अवेलेबल है इन द मार्केट, या आप कोन भी बनाकर उसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें कंटेनर में भर लेती हूँ। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छी जलेबी बनाने के पीछे एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बैटर डालेंगे तो दूर में बैटर डालिएगा, जब हम रिंग बनाते हैं तो थोड़ी दूरी पे, क्योंकि ये फूलता है और आपस में चिपक सकते हैं। तो जब हम रिंग बनाते हैं तो इसे दूर पर स्प्रेड कीजिए ऑयल में, तो बहुत ही अच्छी आपकी जलेबी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम इसे ब्राउन होने तक सेक लेंगे, क्रिस्पी होने तक, और ऑयल हम गरम गरम ऊपर में अगर हम डालेंगे तो ये बोथ साइड से बहुत ही अच्छा फूल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी जलेबी अच्छे से फूल चुकी है। अब मैं इसे निकाल के शुगर सिरप में ऐड कर दूंगी। तो अराउंड 4 से 5 मिनट्स लगते हैं मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने में। अगर हम पास में बैटर को डालेंगे रिंग बनाने के लिए तो ये आपस में चिपक जाती है, तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो देखिए बहुत ही अच्छी रिंग बनी है। अब हम इसे शुगर सिरप में डिप करेंगे अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए, तब तक हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ध्यान से किस तरह से मैं बैटर ऐड कर रही हूँ दूरी पे, तो ये मीडियम हॉट ऑयल में अपने आप ही फूल जाता है। और गरम तेल इस तरह से अगर हम ऊपर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी जलेबी बनकर तैयार होती है। अब दोनों तरफ से हम ब्राउन होने तक सेक लेते हैं इसे, क्रिस्पी होने तक। अब मैं पहला वाला जलेबी निकाल लेती हूँ और इसे भी शुगर सिरप में हम ऐड कर देंगे।
तो फ्रेंड्स एक और ट्रिक है कि हमें गरम गरम जलेबी निकालते ही हल्के गरम सिरप में डालना है, यानी सिरप हमारा हल्का सा वार्म होना चाहिए और जलेबी हमारी बिल्कुल गरम होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से सोक करता है। तो मैंने पहली वाली जलेबी निकाल कर प्लेट में रख ली है, दूसरे वाले को भी ऐड कर देती हूँ शुगर सिरप में। तो इसी तरह से हम सारा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी यमी एंड क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार है। इसे हम गार्निश कर लेते हैं विद सम पिस्ता। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बना है, आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कीप ऑन वॉचिंग माई न्यू वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सपोर्ट टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।